नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 400 के करीब ख़त्म कर चुके। 401वां क्वेश्चन हमें देखना था। विद्युत परिसंकरण के दौरान विद्युत धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? विद्युत परिसंकरण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो आपको बता देना है कैथोड पर। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा को वहन करने के लिए के समय सुचालक कैसा होता है? तो ये होता है विद्युतीय निष्प्रभावी। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता है, क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर जब पक्षी बैठता है तो वो विद्युत उसे नहीं मारती है पक्षी को। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। क्वेश्चन है हमारा 4। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी क्या है? तो याद रखना, कांच। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5। नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो याद रखना, एकल ट्रांजिस्टर। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून न्यून ताप पर नहीं, भी कहलाते हैं अर्धचालक। डी ऑप्शन सही हो। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? दिष्टकारी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 8। 408। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? नरम लोहा के। बात करते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन की। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो शक्ति और वोल्टता। ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 10। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11। क्या है क्वेश्चन 11? किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है कपूर, नेथिलीन, क्लोराइड, अमोनियम, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? डी होगा आपका सही। 12वें में डी।
क्वेश्चन है आपका 13। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। गलनांक। सी ऑप्शन सही हो। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, घट जाता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके आवर्ती धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। क्या होगा 17 में? ए। क्वेश्चन है 18 आपका। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना, ये आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन है 19। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या होगा? डी। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। 22 में आपका क्या होगा? बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो आपको बता देना है विकिरण। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है यांत्रिकी। क्या कहलाती है? यांत्रिकी। क्वेश्चन है हमारा 25। दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि है? तो आपको बता देना है अदिश। क्वेश्चन है हमारा 26। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि इसमें होगा डी। ये सभी क्या होगा 26 में? डी ऑप्शन सही। बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है आपका मीटर। क्वेश्चन है 28। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड।
क्वेश्चन है 30। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होगा आवेग। क्वेश्चन है हमारा 40, सॉरी 31। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है तो आपको बता देना है। अपकेंद्रण। क्वेश्चन है हमारा 32। बल की परिभाषा मिलती है गति के द्वितीय नियम से। बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। एक समान गति वाला पिंड है, त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। क्वेश्चन है 34। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। किसी वास्तु वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। बात करते हैं हम लोग 36वें क्वेश्चन की। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? तो यह है आपकी चाल। क्या है? चाल का। बात करते हैं हम लोग 37। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो यह है त्वरण नियत है। बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है तो याद रखना समान वेग समान चाल। क्वेश्चन है हमारा 39। एक समान वित्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। बात करते हैं 400वां क्वेश्चन। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्र बल। क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? तो याद रखना द्रव्यमान। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की। जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। क्वेश्चन है 43। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है आपका जड़त्व की। बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तो आपको बता देना है न्यूटन का तृतीय नियम। बात करते हैं हम लोग 46वें क्वेश्चन की। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने की दी? गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी तो आपको याद रखना है न्यूटन ने। क्वेश्चन है हमारा 47। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय बल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 48। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं
गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन है हमारा 49। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है सभी पिंडों के लिए। क्वेश्चन है हमारा 50। पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति सेकंड। क्वेश्चन है हमारा 51। निम्नलिखित में उत्प्लावन बल किस कारण कारक पर निर्भर करता है? घनत्व। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता कम होगी, क्या होगी? कम होगी। बात करते हैं 53 क्वेश्चन। बर्फ का पानी बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है उसके आकार पर, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, तीनों पर, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। 54वें क्वेश्चन में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 55। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 56वां क्वेश्चन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, यह होती है आपकी ध्रुवों पर। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर, डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 58 क्वेश्चन। पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59। जी का मान निर्भर करता है, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के मध्य की दूरी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपके ये सभी होंगे। बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की। शक्ति या सामर्थ्य राशि है अदिश। क्वेश्चन है 62। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? तो आपको याद रखना है बल का मात्रक न्यूटन है। क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, डाइन नहीं, क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 65। फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का। क्वेश्चन है हमारा 66। पूरक मात्रक का उदाहरण है घन कोण, क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, निम्नलिखित में से ताप की इकाई है सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट, ये सभी होगा, क्या होगा? 67 में डी। क्वेश्चन है हमारा 68। प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है?
तो आपको याद रखना है दूरी की है। किसकी है? दूरी की। बात करते हैं 69वें क्वेश्चन की। न्यूटन प्रति ग्राम किलोग्राम मात्रक है, ये आपका त्वरण का क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 70। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 71। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से पीछे। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 72। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 73। आईरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली, क्या कहते हैं? पुतली। क्वेश्चन है हमारा 74। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, सीधा होता है परंतु उल्टा वाला प्रतिबिंब देता है, 74 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 75। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस आपका अभिसारी होता है। क्वेश्चन है हमारा 76। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, क्या है 76 में? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 77। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 78। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर पर इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 79। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, 79 क्वेश्चन में आपका डी है। क्वेश्चन है 80। विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है बैंगनी, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 81। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है लाल रंग के लिए, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 82। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, उपयुक्त सभी में, तो 82 में आपका डी होगा, क्या होगा? उपयुक्त सभी। बात करते हैं 83वें क्वेश्चन की। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो याद रखना है उत्तल दर्पण का, किसका है? उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए, ये थे आपके फिजिक्स से संबंधित या भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे हम लोग इसी तरह के और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे, केमिस्ट्री के लाएंगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री,